नए साल में देश और दुनिया में बहुत कुछ बदल गया, लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए हालात अब तक वैसे ही हैं। नए साल पर भी राजनेताओं की नजरबंदी की खबरें आ रही हैं। परिसीमन आयोग की सिफारिशों के खिलाफ गुपकार समूह के नेताओं ने विरोध करना चाहा तो उन्हें रोकने की कोशिश हो रही है। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने नाराजगी जताई है। क्या है मामला, आइए देखते हैं। जम्मू कश्मीर में पुलिस ने राज्य के बड़े नेताओं को एक विरोध मार्च निकालने से पहले ही नजरबंद कर दिया है। ये विरोध मार्च गुपकार गठबंधन के नेताओं की ओर से परिसीमन आयोग की सिफारिशों के खिलाफ निकाला जाना था। हिरासत का विरोध करते हुए राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नए साल में भी जम्मू कश्मीर की पुलिस लोगों को अवैध रूप से उनके घरों में बंद कर रही है और प्रशासन सामान्य लोकतांत्रिक गतिविधियों से भी डरा हुआ है। उमर अब्दुल्ला ने फोटो ट्वीट करके कहा कि उनके घर के गेट के बाहर ट्रक खड़े कर दिए गए हैं और वे इसके खिलाफ धरना दे रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। वहीं सीपीआई के वरिष्ठ नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि जम्मू और कश्मीर का प्रशासन एक शांतिपूर्ण विरोध से भी डर गया है। उन्होंने कहा कि लोगों को जनता के सामने अपनी बातों को रखने की भी इजाजत नहीं दी जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के घर के बाहर भी एक ट्रक खड़ा कर दिया गया है, उन्हें भी नजरबंदी या हिरासत में रखा गया है। गुपकार गठबंधन ने कहा था कि उसके नेता शनिवार को श्रीनगर में परिसीमन आयोग की सिफारिशों के खिलाफ विरोध मार्च निकालेंगे। आपको बता दें कि परिसीमन आयोग की सिफारिशों में कहा गया है कि राज्य के जम्मू इलाके में 6 सीटें बढ़ेंगी जबकि कश्मीर में 1 सीट बढ़ेगी। इसके बाद जम्मू में 43 सीटें हो जाएंगी जबकि कश्मीर में 47। इसको लेकर गुपकार गठबंधन के नेताओं ने पहले भी विरोध जताया था। डीवी लाइव की रिपोर्ट।